क्या हो गया मनोज? मुंबई में इंडिया अलायंस की जो बैठक कल से चल रही है वो आज अभी अभी खत्म हो गई। कल रात को आज सुबह से इस देश के सभी प्रमुख नेता, आपने देखे होंगे, लगभग सभी 28 पार्टीज के प्रमुख नेता, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हो गए। ममता जी जल्दी चली गई है और अखिलेश यादव भी मीटिंग में थे कल से, वो भी जल्दी चले गए हैं। और इंडिया अलायंस जो हमारा गठबंधन है वो गठबंधन बहुत ही मजबूती से उभर कर सामने आ रहा है। यस, ये आवाज का आवाज क्या करें, आपको सुनाई आ रहा है क्या? आप सुन सकते हैं? यहां नहीं सुन सकते हैं, यू कांट हियर। कल रात को और आज पूरे दिन 3 बजे तक लगभग सभी प्रमुख विषयों के ऊपर चर्चा हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन भी हमने पास किए हैं और खास करके इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी, 14 मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी, उनका स्ट्रक्चर हो गया है। बाद में कैंपेन कमेटी है, वर्किंग ग्रुप ऑफ सोशल मीडिया है, वर्किंग ग्रुप ऑफ मीडिया है और वर्किंग ग्रुप ऑफ रिसर्च है। ये 4 प्रमुख कमेटी का भी गठन हुआ है और सभी अलायंस पार्टी के मेंबर्स उस कमेटी में इंक्लूड कर दिए हैं। 2 पॉलिटिकल रिजोल्यूशंस भी है, उस बारे में आपको आदित्य ठाकरे जी बताएंगे। और जिस तरह से ये इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ रही है, जैसे मैंने कल कहा कि 2024 का चुनाव हम जीतने जा रहे हैं, और मैंने ये भी कहा गठबंधन की तरफ से अब इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इस प्रकार का एक मजबूत गठबंधन हमने बनाया है। लगभग सभी नेताओं ने इस चर्चा में पार्टिसिपेट किया है, अपने विचार भी रखे हैं, कुछ सुझाव भी दिए हैं। प्रमुख नेता आपसे डायलॉग करेंगे, उसके बाद आपके सवाल, बहुत ही सिलेक्टेड सवाल के जवाब दिया जाएगा, लेकिन ये आधा घंटे के ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चलेगी, आपको मैं बताना चाहता हूँ। कमेटी का पूरा जो ब्यौरा है या पूरी कमेटी है उसका लिस्ट आपको दी जाएगी, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मेन कमेटी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी, 14 मेंबर, सिर्फ उसके नाम मैं आपके सामने पढ़ लेता हूँ। श्री केसी वेणुगोपाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस, श्री शरद पवार जी एनसीपी, श्री टीआर बालू डीएमके, श्री हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा, श्री संजय राउत शिवसेना, श्री तेजस्वी यादव आरजेडी, श्री अभिषेक बैनर्जी टीएमसी, श्री राघव चड्डा, प्रिंट आउट ऑलरेडी गिवन, मुझे लगता है अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं अभी, यू आर नॉट रिसीव, तो ठीक है, तेजस्वी यादव आरजेडी, अभिषेक बैनर्जी टीएमसी, राघव छड्डा आप, जावेद अली खान समाजवादी पार्टी, लल्लन सिंह जनता दल यूनाइटेड, डी राजा सीपीआई, उमर अब्दुल्ला
नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती पीडीपी, सीपीआईएम का नाम आ जाएगा, लेकिन बाकी जो कमेटी के जो नाम है आपके पास आ जाएंगे। मैं अब आज के जो स्पीकर्स है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को कि आप, सॉरी मैं नाम तो आपने दिया है, हाँ मैं इस आज के इंडिया बैठक के होस्ट, दो दिन से जो आप देख रहे हो ये पूरा मीटिंग का लीडरशिप, पहले रेजोल्यूशन आप कर रहे हो, जो रेजोल्यूशन आज के बैठक में हुए हैं, जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशंस हैं, उस बारे में आदित्य ठाकरे जी आपको बताएंगे। नमस्ते, जय हिंद। आज इंडिया पार्टीज ने 3 रेजोल्यूशंस पारित करे हुए हैं, उसको मैं पढ़ के दिखाता हूँ। पहला रेजोल्यूशन ये है कि वी द इंडिया पार्टीज हियरबाय रिजॉल्व टू कंटेस्ट द फोर्थकमिंग लोकसभा इलेक्शंस टुगेदर एज फार एज पॉसिबल। सीट शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन डिफरेंट स्टेट्स विल बी इनिशिएटेड इमीडिएटली एंड कंक्लूडेड एट द अर्लीस्ट इन अ कोलैबोरेटिव स्पिरिट ऑफ गिव एंड टेक। दूसरा रेजोल्यूशन ये है, वी द इंडिया पार्टीज हियरबाय रिजॉल्व टू ऑर्गेनाइज पब्लिक रैलीज एट द अर्लीस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑन इश्यूज ऑफ पब्लिक कंसर्न एंड इम्पॉर्टेंस। और तीसरा रेजोल्यूशन ये है, वी द इंडिया पार्टीज हियरबाय रिजॉल्व टू कोऑर्डिनेट आर रिस्पेक्टिव कम्युनिकेशंस एंड मीडिया स्ट्रेटजीज एंड कैंपेन्स ऑन द थीम ऑफ जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। थैंक यू, जय हिंद। मैं इस इंडिया मीट के होस्ट शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे जी से विनंती करूंगा कि आप ओपनिंग रिमार्क्स शुरुआत करें। इंडियाच्या तिसऱ्या मीटिंगसाठी देशभरातून आलेल्या सर्व मातब्बर आणि मान्यवर नेत्यांचं मी स्वागत करतो और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज तीसरी मीटिंग संपन्न हुई और दिन ब दिन इंडिया मजबूत होते जा रहा है। ये बात भी सच है कि जैसे जैसे हम करीब आते जा रहे हैं, एक कदम 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इंडिया के विरोधी दल में घबराहट हो रही है। पहले हमें पूछा जा रहा था कि विपक्ष की एकजुट, और उसी वक्त हमने कहा था कि विपक्ष की एकजुट में नहीं मानता, हम सारे लोग देश प्रेमी हैं और हमारी एकता देश प्रेमियों की एकता है, और हमने हमारे अलायंस का जो नाम लिया है इंडिया, तो अब इंडिया के विपक्ष, इंडिया के विरोधी जो है आप सभी जानते हैं वो कौन है। आज की मीटिंग में अच्छी चर्चा हुई, अच्छे डिसीजन लिए गए, कुछ कमिटीज बनाई गई, और हम सारे लोगों ने तय किया है कि आने वाले चुनाव में हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, हम जितने सारे जुमलेबाज हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। और एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं कि हम मित्र परिवारवाद के खिलाफ भी जरूर लड़ेंगे, और वो इसलिए कि मैंने बंगलोर में कहा था कि भारत मेरा परिवार है, हम सब भारतीय हैं तो सारा भारत मेरा परिवार है। परिवारवाद की अगर बात करें तो भारत परिवार छोड़कर इलेक्शन चुनाव के दरमियान एक नारा होता है, मैंने भी सुना था उस वक्त, सबका साथ सबका विकास। चुनाव जीतने के बाद जितने भी जिन लोगों ने साथ दिया सबको लात और अपने मित्रों का विकास, ये मित्र परिवारवाद अब हम चलने नहीं देंगे, और ये लड़ाई दिन ब दिन तेज होती जाएगी। पूरी जनता जो गरीब है,
एक डर है, मन में डर है क्या होगा, अब सेशन होने जा रहा है, क्यों बुलाए हैं, क्या होगा, आधी रात कुछ एक घोषणा हो जाती है आज से ये बंद, आज से ये चालू, तो ये जो डर है, सब लोगों को हम एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि डरिए मत, भयमुक्त भारत, भयमुक्त भारत के लिए हम सारे लोग इकट्ठा आए हैं। और मुझे पक्का विश्वास है आप सभी तो साथ में हैं, क्योंकि आप भी देख रहे हैं, आपके माध्यम से बहुत सारी खबरें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहाँ कहाँ कैसे अत्याचार हो रहा है और सरकार जो है कुछ नहीं कर रही। LPG गैस सिलेंडर 200 रुपए से सस्ता जरूर किया, लेकिन 2014 में उसकी जो कीमत थी उसके बाद आज तक कितनी कीमत, कितना दाम बढ़ाया गया था, वो लोगों के समझ में आ गई ये बात। गैस सिलेंडर 200 रुपए से सस्ता किया, लेकिन बीच में 1000 रुपया महंगा किया, मतलब 5 साल लूट और इलेक्शन के वक्त छूट। तो ये सारी नीति अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गैस सिलेंडर सस्ता किया लेकिन उसके ऊपर पकाएंगे क्या, दाल महंगी होती जा रही है, चावल ये वो सब रसोई की चीज़ें वो महंगी होती जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, इस विषय पर हम सारे एकमत होकर लड़ेंगे। और जो हमने नारा दिया है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, वो इंडिया और भारत को हम जिताएंगे, जरूर जिताएंगे। और ये लड़ाई सिर्फ हम लोगों की नहीं, आप सभी की और देश के हर नागरिक की है, और सबको इस लड़ाई जीतने के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं अब कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे सबके नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को विनती करूंगा कि आप अपनी बात सामने रखें। माइक है ना, वहाँ माइक है, लेकिन साहब आ रहे हैं कंफर्टेबल। मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण, यहाँ पर पधारे हुए हमारे मीडिया के दोस्तों, सारे नाम लेने की वजह से यही बेहतर होगा कि जो कोई इस स्टेज पे बैठे हैं सभी को मैं नमस्ते करते हुए अपना चार शब्द आपके सामने रखूंगा। आज की ये जो बैठक हुई, ये बहुत ही ठीक ढंग से सभी पार्टियों ने मिलके चलाया। इसका उद्देश्य क्या था, ये तो उद्धव ठाकरे जी ने कहा है और हम इसकी कोशिश बहुत दिन से कर रहे हैं। जब मैं बेंगलोर में था, उस वक्त भी जो वहाँ पर मीटिंग हो गई थी, इससे पहले पटना में हो गई थी, उसके पहले तैयारी के लिए हमने मेरे घर पर भी राहुल साहब और नीतीश साहब, तेजस्वी और हमारे पवार साहब सभी मिलके एक बार बात किए, उसका एक ढांचा बना। उसके बाद जो नीतीश साहब के पटना में पहला मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में एक एजेंडा तय करने की बात हो गई, और उसके बाद में बेंगलोर का हुआ, अब यहाँ पर मुंबई में आज सभी लोग मिलके अपनी बात को रखे। और खास करके सभी को एक ही, सबका उद्देश्य एक ही है कि महंगाई को कैसा कम करें, इसके लिए कैसा लड़े, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कैसा हम लड़े। और इतने प्राइसेस जो बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के, और खास करके मोदी जी हमेशा 100 रुपए बढ़ाते हैं, 2 रुपए कम करते हैं। अब पेट्रोल की, LPG की जो दाम थी
वो मोर आर लेस डबल हो गई, लेकिन उन्होंने उसमें से सिर्फ 200 रुपए कम किया, यानी 700 बाकी रहा। यानी पहला जो 55 रुपए में एक सिलेंडर मिलता था उसको उन्होंने अभी भी 70 रुपए में ही रख, 70-75 में रखा, यानी कोई कम नहीं हुआ। पहले जो था उससे ज़्यादा बढ़ाए थे, उसको थोड़ा कम करके, लेकिन इससे लाखों रुपए उन्होंने कमाया। ये तो गरीबों से चोरी कर दिए और गरीबों के जो काटे, और लोगों को दिखाने के लिए 100-200 रुपए कम करना और कहना कि मैं गरीबों के लिए काम कर रहा हूँ। मोदी साहब गरीबों के लिए कभी भी काम नहीं करेंगे, ये यकीन मैं दिलाता हूँ, क्योंकि उनकी हमेशा यही रणनीति रही है कि गरीबों के खिलाफ काम करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति के साथ वो मिलजुल के चलते हैं, और यहाँ पर तो कल ही एक रिपोर्ट आपके सामने राहुल गांधी जी ने रखा था, अडानी की संपत्ति बढ़ गई कैसी, बढ़ाए कौन, और कैसा आज कम से कम 75,000 करोड़ रुपए गरीबों के जो पैसे थे उनके जेब में कैसा गया, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया। तो ये जो है इसके खिलाफ लड़ने के लिए जो बड़े बड़े सरमाएदार है और उनको जो पैसा जा रहा है हमारा गरीब का, तो उसको रोकने के लिए इंडिया जीतना जरूरी है, और इंडिया जीतने के लिए ही इस मंच पे सभी लोग बैठे हैं। तो इसीलिए हम एक जो तय किए हैं, जो रेजोल्यूशन भी हम आप देखे हैं, और उसी ढंग से उस रेजोल्यूशन पे काम करेंगे। हर जगह मीटिंग करेंगे, हर स्टेट कैपिटल में हम जाएंगे, और जो ये मुद्दे हैं इन्फ्लेशन का हो, अनएम्प्लॉयमेंट का हो, हर चीज़ की जो बढ़त हो रही उसका हो, और ऑटोनोमस बॉडीज को सत्यानाश कर रहे हैं, और चाहे ईडी, सीबीआई, विजिलेंस, हर एक ऑटोनोमस बॉडी का मिसयूज कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं भी मोर आर लेस शरद पवार जी साहब के बाद मेरा नंबर लगता है, मैं भी 55 साल से पॉलिटिक्स में हूँ और 52 साल से एमएलए, एमपी, राज्यसभा का मेंबर हूँ। मैं ऐसा नहीं देखा, कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर किया नहीं ऐसा, लेकिन आज मोदी सडनली और एक बात की कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को नहीं पूछे, अपोजिशन लीडर को भी नहीं बुलाए, किसी को बुलाए बगैर वो पार्लियामेंट का डेट देकर स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। अरे स्पेशल सेशन मणिपुर जल रहा था तो आपने नहीं बुलाया, कोविड के वक्त नहीं बुलाया, जब आप चाइना अपनी जमीन हड़प कर ले रही है, कब्जा कर लिए है, उसके लिए नहीं बुलाया। लोग तंग और तबाह, इसमें डी नोटिफिकेशन, ये हमारा नोटबंदी के वक्त परेशान थे, माइग्रेंट वर्कर परेशान, उस वक्त नहीं बुलाया। जब जब मुल्क अपने मुश्किल में रहता उस वक्त उन्होंने कभी नहीं बुलाया, अब क्यों बुलाया मुझे मालूम नहीं, आज का एजेंडा क्या है उनका मालूम नहीं। तो ये देश चलाने की रीत नहीं है, ये उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं, और ये ध्यान में रखना चाहिए कि कभी वो मीडिया उनके साथ है, वो एक उनके दिमाग में है, प्रेस मीडिया हो, टीवी हो, ये सारी चीज़ें मेरे पास है, ये उनका कहना है, और हमको कभी कभी ऐसा दिखता भी है। माफ़ करो क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूँ समझ के, आप गुस्से में आके हमारे खिलाफ मत लिखो। तो जो कुछ है वस्तु स्थिति, आपको भी मुंह को ताला लगाया, हाथ बंद दिए आपके भी लिखने के,
ये सारी चीजें कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटर के तरफ वो जा रहे हैं। तो हम इसके खिलाफ लड़ने के लिए, उनके विचारधारा के खिलाफ लड़ने के लिए, उनके जो कुछ भी ये करप्शन, बड़े करप्शन, उनके जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन होते हैं, ऐसा छोटा मोटा करप्शन वो नहीं करते, लोगों को नहीं दिखना वो पूरा, लेकिन सीएजी रिपोर्ट में दिखाया है कितने करोड़ घपले हो गए हैं। तो उनका करप्शन इनविजिबल है और वो हमेशा अपनी बात ये कहते हैं कि मैं किसी को न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा, लेकिन खाने तो सबको दे रहे हैं, अपने को जो चाहते हैं उनको तो दे रहे हैं, लेकिन लोगों को भूखे मार रहे हैं, लोगों को कुछ नहीं दे रहे। तो इसके लिए हम आवाज उठाए और उसके तहत हम काम करना है। आगे भी हमारी कहाँ मीटिंग होगी हम तय करने वाले हैं, जल्द से जल्द वो भी मीटिंग होगी और बाकी के जो विषय हम आपके सामने रखे हैं मुद्दे, उनके ऊपर हम लड़ते रहेंगे। वो डराने की कोशिश करते हैं, हम डरेंगे नहीं, ये हमारा वायदा है और हम हमेशा लड़ते रहेंगे और जीतते रहेंगे। और आज मुंबई में जो हमारे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो ये स्टेप लेकर हमको बुलाए हैं, उद्धव जी लीड लिए हैं और बाकी कांग्रेस पार्टी और एनसीपी सभी ने मिलके ये जो एक यहाँ पर कार्यक्रम रखा और बहुत यशस्वी हुआ, इसलिए मैं उन महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सभी नेताओं को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आगे की और भी मीटिंग्स हैं, वो डेट टाइम सभी बताएंगे और कहाँ कहाँ मीटिंग हमारी होगी, बहुत से 5-6 जगह पब्लिक मीटिंग होगी, वो भी हम आपको बताएंगे और काम करते रहेंगे और मजबूती के साथ काम करते रहेंगे। इसको ढीला करने की कोशिश मोदी जी कितना भी कोशिश करे, हम वो डरने वाले नहीं हैं। इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा कि उन्होंने तो हमेशा मोदी जी झूठ बोलते ही रहते हैं, लेकिन लोग उनको सच समझते हैं। लेकिन अभी भी मराठी में एक कहावत है, खोटा बोला पण रेटून बोला, तो ऐसा उनका है, इसीलिए सब झूठ बोलते जाते हैं, लोगों में भ्रम डालते हैं, तो वो सबको हमको एक्सपोज करना है, हम करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू खड़गे साहब। डेफिनेटली इंडिया जीतेगी, लेकिन ये जीत की शुरुआत हो गई है पटना से, पटना की भूमि से, और हम सबको एक साथ लाने की सबसे पहली जिम्मेदारी ली थी नीतीश कुमार जी, लालू जी, आप सभी ने। मैं अब नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री महोदय, आपसे विनती करता हूँ, आप आपकी बात रखिए, वहाँ ही माइक है, आप वहाँ से बात कर सकते हैं, आप कर लीजिए। तो आप सब लोगों को मालूम है कि आज तीसरी मीटिंग हुई है, इसके पहले दो मीटिंग हो चुकी है और सबके बारे में आपसे चर्चा की जा चुकी है और बहुत अच्छे ढंग से कल से ही बातचीत हुई और आज मीटिंग हो गई और पहले आपको चीज़ों के बारे में अनाउंस कर दिया गया कि इन सब चीज़ों के बारे में तय हो गया है और अब नियमित रूप से अब जगह जगह जा करके हम लोग अपना प्रचार प्रसार का काम करते रहेंगे। तो ये सब आज तय हो गया, इसलिए इसके बारे में आपको बता दिए और बड़ी खुशी की बात है। और अब आप समझ लीजिए कि पार्टियाँ एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। और अभी आपको बताया गया कि कैसे मीडिया पर ही कब्जा कर लिया, कोई भी दूसरे की बात कम छपता,
और ज्यादातर उन्हीं की बात छपते रहती है। कितना काम पहले हुआ है, अलग अलग राज्यों ने कितना काम किया है दूसरे दूसरे पार्टियों ने, उसका कम छपता है। आइए कम करते हैं और ज्यादा छपता रहता है, तभी तो आप लोगों पर कब्जा न है जी, तब तो उपाय है। और जब एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप सब प्रेस वाले आजाद होइएगा और जो आपको उचित लगेगा वही लिखिएगा और वही बोलिएगा। और ये बहुत जरूरी है, अगर प्रेस के लोग कुछ लिखते हैं कहीं क्या काम हो रहा है क्या ठीक नहीं हो रहा है, वो जब लिखते हैं तो उसका असर जनता पर कितना पड़ता है। और आजकल देख रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं और खाली उनका बड़ाई हो रहा है। आज जो जो राज्य वाला बेचारा जो काम कर रहा है उसकी चर्चा कम होती, तो ये ना हो गया इसलिए पता ही है। दूसरी चीज है, देश के इतिहास को ही बदलना चाहते हैं तो हम लोग सब मिलकर के देश के इतिहास को नहीं बदलने देंगे, और सब मिलकर के जो अपना देश है वो पूरा मजबूती के साथ होगा और समाज के हर तबके का उत्थान होगा और किसी की उपेक्षा नहीं होगी। तो इसीलिए सब मिलकर के, और जानते भी नहीं, बहुत कोशिश चलते रहते हैं हिंदू मुस्लिम कुछ इधर उधर हो जाए, लेकिन सबको एकजुट होकर के नहीं जी, देश तो सबका है ना, तो सब एकजुट होकर के तो सब मिलकर के और सारा अच्छा काम कर रहे हैं तो सबको लेकर के आगे बढ़ाना है। और तो इसीलिए जरूरी है कि अब सब लोग, अब अच्छा हो गया है, सब लोगों को अपना अपना अधिकार था तो, लेकिन अब इतना ज्यादा हम कोशिश करते रहे, बहुत कहते रहे कि जरा मिल जाइए, तो बात समझते समझते हो गया। अब तो हम यही चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो, तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है, इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना ना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात पूरा कर लिए, यही पूरा बात दी है, और बाकी कई लोगों को अब जिम्मेवारी दे दी गई है, सब तरह का काम करेंगे, इसके लिए बहुत अच्छा है। और आप सब लोगों से भी आग्रह करेंगे कि कृपा करके जब हम लोग अब एकजुट हो गए हैं तो हम लोगों के काम का भी थोड़ा आप लिखते रहिएगा, थोड़ा प्रचार करते रहिएगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, आई रिक्वेस्ट यू टू एक्सप्रेस यूअर यूथ। स्टालिन साहब, அனைவருக்கும் வணக்கம். பாட்னாவில் 19 கட்சிகளோட கூட்டணி அமைச்சு அங்க முதல் கூட்டத்தை நடத்தணும். ஆக முதல் கூட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒற்றுமையாக இருந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சிக்கு ஒரு முடிவு கட்ட வேண்டும் என்று முடிவு செஞ்சோம். அதை தொடர்ந்து இரண்டாவது கூட்டமாக பெங்களூரில் நடத்தினோம். அதில் இந்த கூட்டணிக்கு இந்தியா என்ற பெயரை சூட்டி அந்த பணியை தொடங்கினோம். மூன்றாவதாக இந்த மும்பையில் 28 கட்சிகள் ஒன்று சேர்ந்து வலிமை மிக்க கூட்டணியாக இதை நாங்கள் நிரூபித்து காட்டிருக்கிறோம். நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சி எப்படிப்பட்ட ஒரு சர்வாதிகார ஆட்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது என்பது உங்களுக்கெல்லாம் நல்லா தெரியும். அதில் இப்போ குறிப்பாக பிரதமராக இருக்கக்கூடிய மோடி அவர்கள் எங்கே போனாலும், அது அரசு நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் சரி கட்சி நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் சரி அல்லது தனிப்பட்ட எந்த நிகழ்ச்சிக்கு போனாலும், அங்கெல்லாம் இந்த 9 வருஷமாக செஞ்சிருக்கக்கூடிய சாதனைகளை பற்றி சொல்ல முடியாமல் சிறந்த ஆட்சி நடத்திக்கிட்டு இருக்கோங்கிறத வெளிப்படையாக சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அவர் ஆளாகி, நாங்கள் அமைச்சிருக்கக்கூடிய இந்தியாவுடைய கூட்டணியை பற்றி
அவர் அடிக்கடி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாரு. ஆக சிறந்த பப்ளிகேஷன் ஆஃபீஸராக பிரதமரே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். அதற்காக நாங்கள் எங்கள் கூட்டணியின் சார்பில் பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். இந்த 9 ஆண்டு காலத்தில் இந்த ஆட்சியில் பிஜேபி ஆட்சியில் எந்த சாதனைகளும் கிடையாது. 4 நாள் இந்த ஆட்சி அன்பாப்புலராக போயிட்டுருக்கு. ஆனால் இந்தியாவோட கூட்டணி பாப்புலர் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த கூட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு திருப்திகரமான கூட்டம் மட்டும் இல்லை, ஒரு திருப்பு முனை கூட்டமாக இந்த கூட்டம் இன்னைக்கு அமைஞ்சிருக்கு. பிஜேபி ஆட்சியினுடைய கவுண்ட் டவுன் ஆரம்பமாயிடுச்சு. இது வரைக்கும் இந்தியாவில் காண முடியாத ஒரு சர்வாதிகார ஆட்சியை இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். அண்மையில் 7,00,000 கோடி ரூபாய் சிஏஜி ரிப்போர்ட்டு கொடுத்துருக்கக்கூடிய விவரம்லாம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். அது பற்றி இன்றைக்கு பிரதமராக இருக்கக்கூடிய மோடி அவர்கள் வாய் திறந்து பதில் சொல்ல முன் வரல. உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு மதிப்பு இல்லை, தேர்தல் கமிஷனுக்கும் சுதந்திரம் கிடையாது. இடி, சிபிஐ, ஐடி என அரசியல் எதிரிகளெல்லாம் அச்சுறுத்துகிற ஒரு ஏவல் அமைப்புகளாக இந்த அமைப்புகளை பிஜேபி ஆட்சி பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு. நாங்கள்லாம் இன்றைக்கி தனித்தனியாக கட்சிகளாக இருந்தாலும் நாட்டை காப்பாற்றுறதுக்கு ஒன்றா சேர்ந்துருக்குறோம். அரசியல் லாபங்களுக்காக நாங்கள் சேர்ந்துருக்குறோம்னு தயவு செஞ்சு யாரும் நினைக்காதீங்க. இந்தியாவினுடைய மாண்பை காப்பாற்றுவதற்காக, இந்தியாவினுடைய மதச்சார்பின்மையை காப்பாற்றுவதற்காக, இந்தியாவினுடைய சமூக நிதியை காப்பாற்றுவதற்காக நாங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம். ஒரு பெரிய போர்க்களத்தில் ஈடுபட போகிறோம். அப்படி ஈடுபடக்கூடிய அந்த போர்க்களத்திற்கு நீங்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு பக்கபலமாக இருக்கணும், துணை நிற்க வேண்டும் என்று என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோளை இந்த நேரத்தில் எடுத்து வச்சு இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிற வாய்ப்பை பெற்றமைக்கு மீண்டும் ஒரு முறை என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். मैं अरविंद केजरीवाल जी को आमंत्रित करता हूं। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं महाविकास अघाड़ी के ठाकरे साहब, पवार साहब और महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं को बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इतनी शानदार 2 दिन की मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये जो इंडिया अलायंस है, ये अलायंस कुछ चंद 26, 27, 28 केवल पार्टियों का अलायंस नहीं है। ये इंडिया अलायंस इस देश के 140 करोड़ लोगों का अलायंस है और ये लोग एक साथ आए हैं। देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने के लिए। आज हमें बहुत दुख होता है कि आज हमारे देश के अंदर जो सरकार है, मोदी सरकार, मुझे लगता है कि आज़ाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार और सबसे अहंकारी सरकार है। एक भारतीय होने के नाते मुझे बेहद दुख होता है। पिछले 3-4 दिन से हम पढ़ रहे हैं कि विदेशों के अखबारों के फ्रंट पेज के ऊपर खबरें छप रही हैं कि हमारी भारत सरकार एक आदमी के लिए काम कर रही है। वो एक आदमी भारत से पैसे निकाल निकाल के बाहर विदेश में ले जा रहा है और भारत सरकार, मोदी सरकार, देश के प्रधानमंत्री उनकी मदद कर रहे हैं।
बहुत दुख होता है एक भारतीय होने के नाते। विदेशों में तो खबरें छपनी चाहिए कि भारत में ये अच्छा हो गया, भारत में वो, तब देश का नाम आगे बढ़ेगा। देश का नाम ऐसे थोड़ी आगे बढ़ेगा कि पूरी भारत सरकार एक आदमी के काम करने के लिए लगी हुई है। आज हमारे भारत का युवा रोजगार ढूंढ रहा है, पढ़ लिख के बीए करके, बीकॉम करके, बीएससी करके रोजगार ढूंढ रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है। और वो जब सरकार के पास जाता है तो पता चलता है कि सारी सरकार एक ही आदमी के लिए काम कर रही है, सारी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आज हमारे घर के, हमारे लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, लोगों के आमदनी नहीं है, आमदनी उतनी है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के पास जाते हैं, सरकार, पूरी सरकार एक ही आदमी के लिए काम करने में लगी हुई है। इससे ज़्यादा अहंकारी सरकार आज तक कभी नहीं हुई। और ये लोग अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझने लग गए हैं, और जब कोई आदमी अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगता है तो फिर उसका पतन भी जल्दी होता है। मुझे बेहद खुशी है कि इंडिया अलायंस में सब लोग आपस में जुड़ रहे हैं। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, अब सबको लगने लगा है कि ये इंडिया अलायंस मोदी सरकार के आने वाले समय में मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इस इंडिया अलायंस को तोड़ने में लगेंगी, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ जबरदस्ती क्या दिखाया जाएगा, इसकी उसके से लड़ाई हो गई, उसकी उससे लड़ाई हो गई, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाएगी, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाए। मैं पिछली 3 मीटिंग अटेंड कर चुका, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, जितनी अच्छे से और जितने प्यार और मोहब्बत से सारी मीटिंग्स हुई हैं, किसी की किसी के साथ लड़ाई नहीं है। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कोई पद के लिए नहीं आया, सब 140 करोड़ लोगों के इस भारत देश को बचाने के लिए आए हैं, इसको तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए आए हैं, कोई यहाँ पे पद के लिए नहीं आया है। सो मैं, मुझे बेहद खुशी है, 2 दिन की हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही और सबने आगे बढ़ बढ़ के आज मीटिंग में जिम्मेदारियां ली हैं। किसी ने सीट शेयरिंग करवाने की जिम्मेदारी ली है, किसी ने मीडिया की जिम्मेदारी ली है, किसी ने सोशल मीडिया की जिम्मेदारी ली है, किसी ने कैंपेन डिज़ाइन करने की जिम्मेदारी ली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर पूरा भारत इकट्ठा होगा और इस अहंकारी, भ्रष्टाचारी, तानाशाही सरकार का पतन का कारण बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत इकट्ठा हो रहा है, हो जाएगा। मैं अब आमंत्रित करता हूं हमारे प्रिय आदरणीय नेता लालू यादव जी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी, शरद पवार जी, मंच पर बैठे हुए हमारे देश के सभी पार्टी के नेतागण, मोदी के पार्टी को छोड़ के, मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई कि हम इस देश के विभिन्न पार्टियों के नेता अलग अलग बैठे थे और नरेंद्र मोदी ससर रहे थे आगे। हम एक नहीं थे, एक मंच पर एक एक उम्मीदवार खड़ा नहीं होते थे, उसका खमियाजा देश को भुगतना पड़ा। और मोदी काफ़ी इसमें इसका लाभ उन्होंने उठाया। हम शुरू से ही यह लड़ाई लड़ते रहे हैं कि भाजपा हटाओ, देश बचाओ। भा मने भाजपा, ज मने जलाओ और पा मने पार्टी बोलते रहते थे। ये बात सही हो रहा, सही निकल रहा। इस देश में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है,
क्या क्या हुआ आपको मालूम होगा इस देश में, क्या हो रहा है कि आज हमारे अल्पसंख्यक भाई सुरक्षित नहीं है, महसूस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, देश में गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, 60 रुपया किलो भिंडी हो गया, भिंडी टमाटर का जो हाल है सो जानते ही हैं, जबकि टमाटर में कोई स्वाद ही नहीं है इनके राज में। लगातार लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग आज इस मुकाम पर आए हैं कि अब हम सब पटना, बंगलोर और महाराष्ट्र यहाँ मुंबई में ये मीटिंग के बाद अब एक निष्कर्ष पर हम लोग पहुँचे हैं और एक स्वरूप बना है, संगठन बना है, जो पढ़ कर के आप लोग को सुनाया गया। आप सबको याद होगा कि कितना झूठ बोल करके, कितना अफवाह फैला करके इस सत्ता में लोग आए थे। मेरा भी नाम उस समय और देश के नेताओं का नाम, इन लोगों ने यह प्रचारित किया था कि इन लोगों का पैसा स्विस बैंक में जमा है, स्विस बैंक में। और मोदी जी बोले कि हम आएंगे और स्विस बैंक का पैसा ला करके हम देश के तमाम लोगों को, हर के को खाता खुलवाया कि 5-5 लाख रुपया जमा करेंगे, 15-15 लाख रुपया। हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया। मेरे 7 बेटियां, 2 बेटा और पति पत्नी दोनों मिला के 11 हो जाते हैं। देखा कि भाई 1500 गुना कर दीजिए, पैसा काफ़ी मिल जाएगा। हमने तो पशुपालन में कोई पैमानी शैतानी भ्रष्टाचार नहीं किया, जो भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, करा रहे हैं। सारे देश भर के लोग खाता खुलवा दिया, सब गरीब गुरबा आदमी प्रचारित करवाया इन लोगों ने। और मिला क्या, सोल देश के लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को भी मालूम होगा, आप लोग में वैसे भी खुलवाए होंगे, आप लोग प्रेस के लोग भी, कि हो सकता है भाई मिल जाए, पैसा है देश का तो मिल जाए, वापस आ जाए। एक पैसा नहीं, सब इन्हीं लोगों का पैसा था। अभी काफ़ी जय जयकार हो रहा, होना चाहिए, वैज्ञानिकों का होना चाहिए। चंद्रयान पर लोग गए, सब घूमे फिरे लोग, हमारे वैज्ञानिक, देश का नाम ऊंचा हुआ। अब हमने सुना है कि मोदी जी अब ये सोच रहे हैं, और इसीलिए पहले ही लोकसभा का मीटिंग भी सुना है, बोला दिया है। हमने ये सुना, किसी जिम्मेवार आदमी ने कहा कि भाई हम लोग तो अब इतना देश के वैज्ञानिक आगे देश को ऊंचा कर दिए, दुनिया में नाम हो गया, हम अपील कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिकों से, अपने देश के वैज्ञानिकों से, कि भाई मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए, इनको चंद्र लोक से की बात छोड़ो, अब सूर्यलोक पर इनको पहुँचा, नरेंद्र मोदी पहुँच तो जाओ, हाँ दुनिया भर में नाम हो जाएगा मोदी जी का, अमेरिका अमेरिका सब देश कहाँ पीछे छिटा जाएगा। राहुल गांधी जी घूमते रहते हैं अमेरिका में, कई देश में घूमे, इनको अवसर मिला है तो ये भी देख लेगा कि भाई मोदी जी सचमुच में देश का नाम करने के लिए अब ये चल पड़े हैं आगे।
दशहरा के बाद इसकी तैयारी कर लें, हमारी शुभकामना है कि चले जाएं। इतनी गरीबी है, गुरबा लोग हैं, बेकारी है चारों तरफ फैला हुआ है, और बोलते हैं कि देश आगे बढ़ गया, कि देश आगे बढ़ गया। देश के नेताओं को कोई भी ऐसा नेता नहीं छूटा है जिसको ईडी में, सीबीआई में ये ना फंसाए हों, सबको फंसा के। ये हम देखते थे पहले के ज़माना में, सुनते थे कि जो बड़े लोग होते थे, सामंती लोग होते थे, वो गरीबों को और मिडिल क्लास के लोगों को मुकदमा में फंसा के और शासन करते थे। कोई इनकी आदत हो गई है, और हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमने अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराया है, कोई शौक से नहीं कराया है, डॉक्टरों ने कहा कि करा लो भाई। हमारी बेटी सिंगापुर में रहती है, उसने अपना किडनी दान दे दिया, जीवन दान दिया हमारी बेटी। और वहाँ इतना हम अपना शरीर का ऑपरेशन कराए हुए हैं, कोई ठिकाना नहीं। और पहले इस रोग के अलावा एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट, डॉक्टर पंडा है यहाँ, नामी ग्रामी सर्जन हैं, 5-6 हमारा ऑपरेशन हो चुका है। लेकिन आप सबका आशीर्वाद और कृपा है कि हम जीवित हैं, और हम आगे भी, हम काफ़ी, मेरा हौसला मजबूत है कि हम रहेंगे, और मोदी जी को हटा के ही हम दम लेंगे हम लोग। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है बिल्कुल। और सुन ले मोदी जी, अब आप समझ लेना कि पहले से मैं आपसे लड़ते आ रहा हूँ, गुजरात के युद्ध के लड़ाई राइट के समय से, आपके और आपके गुरु कौन अध्यक्ष है वो हाँ? नहीं नहीं, उनके पार्टी के अध्यक्ष जी हो, अडवाणी जी को तो गिरफ्तार किया था, वो नहीं भाई। अरे अभी जो है मुझे अमित शाह बताओ, ही कहाँ के शाह नेता हो गए, कब का संघर्ष किया हुआ भाई। हम थे राज्यसभा में, थे उन दिनों में, भैरव सिंह शेखावत साहब जी उपराष्ट्रपति थे, और दंगा जब हुआ तो चारों तरफ देश और दुनिया भर में यूरोपियन कंट्री ने अपने नागरिकों को मना कर दिया कि मत जाना उधर, भारत में मत जाना, और इनको, इनका प्रवेश भी निषेध हो गया था विदेशों में। आप सब लोगों को मालूम है किस तरह का इनका इतिहास रहा। हम गमछी बिछा के फ्लोर ऑफ द हाउस में वहाँ बैठ गए, आगे चेयरमैन के चेयर के नीचे। हम कहा कि मोदी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो मोदी को, नहीं तो नहीं उठेंगे। चारों तरफ से हाउस गर्म हो गया, गर्म हो गया हाउस। और गर्म होने के बाद काफ़ी इनको परेशानी हुई, और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी वो नेता थे, ऐसा नेता हमने नहीं देखा। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी को कि राजधर्म भी कोई चीज़ होता है, राजधर्म, लेकिन जो आदमी गिरफ्तारी के बाद इतना सारा विपक्ष, सब लोग हम लोग जुट गए थे कि भाई कम से कम कंडेम भी करो उनके एक्शन को, नहीं किया ये लोग, डिप्लोर डिप्लोर
डिप्लोर बन मतलब किया कि वो भी नहीं अंदर से नहीं निकले लोगों को कि हम निंदा करें इतने बड़े नरसंहार हुआ था क्या क्या हुआ उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग ज़्यादा भाषण नहीं भाषण का तो मेरा हमारे दीदी भी यहाँ बैठी हुई है ममता दीदी निकल गई अच्छा चले तो सारे जो उस समय लोग थे हमारे साथी बालू जी भी निकल गए अगर प्लेन है तो हम भी मेरा भी प्लेन अभी निकल गया हम क्यों पीछे रहे हम भी निकल जाते फ्लाइट का टाइम आ गया। तो आप सभी पत्रकार भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ सलाम करता हूँ आदाब करता हूँ। हम सब एक हैं और एक होकर के हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी को भी हम काफ़ी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा सीट शेयरिंग और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को ये संघ है हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। सभी लोगों को नमस्कार जिंदाबाद सब प्रणाम क्या चलो टाइम भी हो गया तो नमस्ते सब लोगों प्रणाम। पवार साहब के लिए भी हम लोगों की शुभकामना है आप पुराने नेता हैं डटे रहिएगा अपना पार्टी को मजबूत रखिए हम लोग आपके साथ हैं। अब मैं सीताराम येचुरी जी को आमंत्रित करता हूं अपनी बात रखें। Well, you've all heard our leader speak in Hindi, so you want me to speak in English or should I also continue in Hindi? Telugu, my mother tongue. Well, you've heard the basic decisions here. India, this alliance is met, it is expanded. There are two more parties that have joined and we think that more will join. And we have worked out the understandings on the basis of which the seat sharing will be done at the state levels. State level seat sharing will all the discussions will take place at the state level. Acha badhai Lalu ji. Lalu ji. Lal salam keh rahe hai. Yeah. That is the spirit of India. Laluji is saying Lal Salam to me. And I am saying Jai Hind to him. So that the at the state level, we'll work out the adjustments, seat adjustments, etc. State to state, it'll vary. But the general overall understanding is very clear. We're all united here in order to save the character of the Indian, give the character of Indian Republic, which is the secular democratic republic, to save its constitution, to save democracy, and particularly to uphold the guarantees that have been given by the Indian constitution to all our citizens, irrespective of, I quote, caste, creed, or sex. That equality for all and justice, that is economic, social, and political, that justice for all, that must be ensured. If all this has to be done, then the BJP must be kept away from controlling the government and state power. So that is the objective with which
we have all come together. Now you will be seeing many things happening, as in when this grouping gets more consolidated. The first time when we were meeting in Bangalore, suddenly the NDA was resurrected. This time when we came to Bombay, suddenly the 200 rupees was reduced to the gas cylinder. You heard about how much it was increased then. And while we were meeting here came the announcement of a special session of Parliament. And what gimmickry will follow from there, what will be done, that we'll have to wait and see. So it's very clear that the Modi government and the BJP is rattled by this coming together of all the secular forces and the secular parties. And that in itself is a signal for the march towards victory that India will make with all our leaders coming together. And we propose to consolidate this further with a series of public meetings spanning across the country, and that will from all parts of the country ranging out. So now from this meeting we are reaching out to the people. We are already with the people, but we'll be reaching out to the people through public actions and action programs, and that will be further strengthened in the days to come. So that is in addition to what has already been told here. We only think in the coming months you'll see more of united activity amongst all the parties that are represented here, and we are sure that more and more parties will be joining the India grouping, and this will consolidate further in order to save India today. To saving India and then changing India for the better. That is the objective with which we all come together, and that is what we will ensure, and that is our assurance to the people of our country. Thank you. अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रिय राहुल गांधी जी. I'd like to thank Thakre ji, Sharad Pawar ji, Congress Party of Maharashtra, our leaders, for organizing a fantastic session of the India Alliance. Two very big steps were taken. The most important thing to understand is that this stage represents 60% of the Indian population. If the parties on this stage unite, it is impossible for the BJP to win an election. So the task in front of us is to come together in the most efficient way possible. And two big steps have been taken in that regard. The first step is a coordination committee and committees under that committee. And the second step is a decision that we will expedite all seat sharing discussions and decisions and make them happen as soon as possible. These are two very, very powerful steps in ensuring that the India Alliance defeats the BJP. The election is very, very clear. I did a press conference yesterday, and the nexus between the Prime Minister and a particular businessman is there for every single person to see. I mentioned yesterday in my press conference that the G20 is taking place, and it is very important for India's credibility, our nation's credibility, that the Prime Minister makes his position very clear and begins an inquiry on what has happened with regards to Mr. Adani. The Prime Minister and the BJP are a nexus of corruption. And that is the first thing that the India Alliance is going to demonstrate and prove. The idea behind Prime Minister Modi's government
is to extract money from the poor people of this country and transfer it to a limited few. And so we are going to propose a clear path, development path. We are going to put together a clear set of ideas that will once again involve the poor people, the farmers, the kisans, the workers in the progress of this country. I'd like to once again thank all the senior leaders, and I'm confident that the India Alliance will defeat the BJP. The final thing I'd like to say, of course there are leaders who are much more senior than me, but the real work in this alliance is the relationships that are forged between the leaders of this alliance. And I can say with confidence that these two meetings have done a huge amount in building the rapport between all the leaders and ensuring that all of us work together as one. I can see that there is flexibility among all the leaders in the way we are approaching things. There are differences, of course, but I am extremely impressed by the way those differences are minimized and ironed out. Thank you very much. Of course, I don't want to comment much about the press, but I think Laluji said it best. You're also in some ways restricted and chained, and India Alliance is working to free you from your chains. Thank you. I forgot one thing, which is probably the most important thing. I spent a week in Ladakh. I went to Pangong Lake, right in front of where the Chinese are. And I had detailed discussions, probably the most detailed discussions that any politician outside Ladakh has had with the people of Ladakh. And specifically, the shepherds of Pangong Lake, the leaders of Pangong Lake, and the common people who live around Pangong Lake. And they categorically told me that the Chinese have taken Indian land. They categorically told me that the Prime Minister is lying about the fact that the Chinese have not taken Indian land. And every single person in Ladakh knows that the people of India and the people of Ladakh have been betrayed by the government of India. There is clearly an accommodation that has happened between the government and the Chinese. There is clearly a change on the borders. Our shepherds themselves told us that they are not being allowed into the areas where they were allowed. So this is known to everybody. Unfortunately, our press doesn't raise these issues, but these are issues of national importance, of national security, and it is shameful, extremely shameful, what has happened in Ladakh. Thank you. सबसे पहले मैं शरद पवार जी, ठाकरे जी और जो महाराष्ट्र कांग्रेस के हमारे नेता हैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा सेशन यहां हमारे लिए किया. सेशन में दो महत्वपूर्ण बातें डिसाइड की गई. पहले के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी और दूसरी कि जल्दी से जल्दी जो सीट शेयरिंग का मामला है
उसको हम डिस्कस करके उसमें हम रेजोल्यूशन निकाल देंगे। नरेंद्र मोदी और अदानी जी के बीच में जो रिश्ता है उसके बारे में मैंने कल बोला। इंटरनेशनल फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में आया है कि एक बिलियन डॉलर पैसा हिंदुस्तान से गया है, बाहर गया है और वापस आया है। नरेंद्र मोदी जी G20 करा रहे हैं और हिंदुस्तान की इज्जत का मामला है। नरेंद्र मोदी जी को कह देना चाहिए कि वो इंक्वायरी कराएंगे, और अगर वो इंक्वायरी नहीं कराएंगे तो फिर पूरे देश को पता लग जाएगा कि क्यों इंक्वायरी नहीं कराई जा रही है। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। बीजेपी हिंदुस्तान के गरीब लोगों से धन छीनकर चुने हुए 2-3 लोगों को देती है। हमने प्रोग्राम्स की बात की है, एक हम कमेटी बना रहे हैं जो पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कशन करेगी, और जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए जो हमारा विजन है वो हम थोड़ी ही देर में हिंदुस्तान को, आप सबको दिखाएंगे। थैंक यू। इंडिया अलायंस के एक मजबूत स्तंभ आदरणीय शरद पवार जी, सम्माननीय व्यासपीठ और साथियों, कल से हम देश के 28 पॉलिटिकल पार्टीज के नेता की जिनकी उपस्थिति 68 के आसपास थी, यहाँ बैठे, और कई दिनों से हमारे सबके मन में देश के सामने कोई गंभीर समस्या है, इस पर बहस करके आगे की नीति तय करने का काम ये 2 दिन के सेशन में हम लोगों ने किया। मैं शुरू में सभी पॉलिटिकल पार्टी जो बाहर से यहाँ आए, इनके यहाँ जो प्रबंध व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना हो, कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, सभी साथियों ने अच्छी तरह से किए, और इसीलिए इन सभी नेता लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिसकी शुरुआत हमें बिहार में की थी, कर्नाटक में की थी, इस 28वां दफा महाराष्ट्र में हुआ, और आगे की लाइन हमारी तय होने में इसकी बहुत मदद हो गई। आज देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति है, लोगों की समस्या बहुत है,
चाहे किसान की समस्या हो, खेडूत की समस्या हो, मजदूरों की समस्या हो या नौजवान साथियों की समस्या हो, आज जिन लोगों ने एक भरोसे से देश की कारोबार चलाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के साथियों के हाथ में दी, आज वही लोगों में एक तरह से नाराजगी की भावना थी जगह जगह पर देखने के लिए मिलती है। उनकी सच्ची समस्या है, मगर हुकूमत हाथ में आने के बाद जिन लोगों के एक जमाने में जमीन पर फैज थे, आज जो अधिकार हाथ में मिला, इसका नतीजा, इसका परिणाम इन नेतृत्व करने वाले लोगों के काम करने के जरिए में हो गया। आज हम लोग देखते हैं कि राजनीति में राजनीतिक दल मिलकर काम करने की तैयारी करते हैं तो उनका काम हो, उनकी नीति हो, इस बारे में कुछ आशंका हो सकती है, मगर खाली यहाँ मीटिंग करने की बात तय हो गई तो इस पर भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्रिटिसिज्म किया। उन्होंने कहा नेतृत्व ने कि मिलने की क्या आवश्यकता है, प्रजातंत्र में कोई भी इश्यूज हो लोगों के सामने, इसलिए मिलकर आपस में बहस करके कोई रास्ता निकलेगा कैसे, इस पर ध्यान देना, ये तो कोई गलत बात नहीं है, मगर हम लोग यहाँ मिले इस पर भी एक तरह का क्रिटिसिज्म हमारे कुछ साथियों ने किया। इसे एक ही बात साफ होती है कि 10 साल देश की हुकूमत हाथ में आने के बाद जो, जैसे मैंने कहा कि जमीन पर फैज रख के काम करने की आवश्यकता है, इससे नेतृत्व करने वाले लोग बहुत दूर रहे। कभी कभी अपोजिशन के लोग जब बैठे हैं तो उनके बारे में देश के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इन लोगों के बारे में घमंड या ऐसा उनका उल्लेख करके उनके बारे में बातें करते हैं। इसे एक ही बात साफ होती है कि घमंड या कौन है कि जिन्हें लोग मिलकर आपस में बैठने की तैयारी करते हैं, ये भी जिनको पसंद नहीं उन्हें घमंड या कहने की आवश्यकता है। और ऐसी एक शक्ति देश के हितों की रक्षा करने वाली नहीं, इस पर मिलकर कुछ ना कुछ रास्ता निकलना चाहिए। और ये रास्ता निकलने के लिए हम कुछ लोग कई दिनों से आपस में बात करते थे और इससे इंडिया के नाम पर एक नया विकल्प देश में तैयार करने की कोशिश हम लोगों ने शुरू की है और इसका ही ये सम्मेलन यहाँ का सम्मेलन था। मुझे खुशी है कि देश के लोगों ने जो कुछ हम करना चाहते हैं इस बारे में मुझे गंभीरता से देखने की बात की। मीडिया ने ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये देशवासियों के सामने अच्छी तरह से रखने के लिए अपना काम किया। मैं इतना ही आपको वादा करता हूँ,
हम रुकेंगे नहीं, हम गलत रास्ते पर जाएंगे नहीं। गलत रास्ते पर जो जा रहे उनको ठीक रास्ते पर लाने के लिए, और ठीक रास्ते पर आते नहीं तो उन्हें दूर करने के लिए जो कोई करने की आवश्यकता है वो हम कंधे को कंधे मिलाकर मिलकर हम करेंगे, और देशवासियों के सामने एक साफ सुथरा प्रशासन देने की जो आवश्यकता है इसके लिए जो कुछ करना होगा वही करेंगे, इतना मैं कहना चाहता हूँ। ये सब करने के लिए हमारे सब साथियों ने बहुत मेहनत की, तीनों पार्टी के नेता लोगों ने, उनके सब साथियों ने मेहनत की, अनेक कई राज्यों से जो हमारे साथी यहाँ आ गए। मैं इन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये अधिवेशन कामयाब होने के लिए सभी लोगों ने साथ की। ये सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, मीडिया को धन्यवाद देता हूँ, यहाँ जिन साथियों ने अच्छी तरह से इंतजाम किए इन साथियों को धन्यवाद देता हूँ, और आपसे बधाई देता हूँ। आप नो क्वेश्चन आंसर, थैंक यू वेरी मच।